स्वागत करता हूँ मेरे गार्डन में। आप देख मैं सबको गुलाब की केयर कैसे करना है वो बताऊंगा। गुलाब की केयर ज्यादा हार्ड भी नहीं है और ज्यादा सिंपल भी नहीं है। देखो आप देख सकते हो कभी भी ना गुलाब को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ज्यादा करके डालना, क्योंकि ना केमिकल ना किसको कौन सी पौधे को कभी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कभी भी आपने डाला तो ना उसके पत्ती झड़ने लगते, उसके फूल बहुत आएंगे उसको और पत्तियाँ बहुत झड़ेंगी। तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ज्यादा करके यूज करें, ज्यादा करके ना आप केमिकल यूज करें ही ना, मैं कभी नहीं करता करें। आप देख सकते हो सबको तब भी कितने अच्छे से कली आ रहे हैं। अभी मैंने अभी एक फूल काटा था, देखो कितना तब, क्योंकि मैंने अभी बाहर डाल रहा हूँ तो मैंने उसके लिए काट दिया था। अब भी मैंने देखो अभी काटा है, तो कभी भी ना देखो इधर से काटो, क्योंकि बहुत बोलते हैं कि ना कि यहाँ जल्दी आता क्यों नहीं है। कभी भी हम लोग ने एक बार खाता तो उधर से नया बट कब आएगा, इतने जल्दी क्यों नहीं आता। तो उसका कारण एक ही है कि आप ज़्यादा ऊपर से काटते हो, नीचे से काटा करें मतलब कि वो जल्दी आ जाएगा। आप देख सकते हो इसको शूट्स भी कितने आ रहे हैं, देखो इधर से आ रहे हैं, बहुत जगह से आ रहे हैं, कितना अच्छा दिख रहा है ना। तो और ना मैं इसको ना ज़्यादा करके एक्सेल बहुत डालता हूँ, एक्सेल यूज हुई चाय पत्ती वो मैं ज़्यादा डालता हूँ। तो उससे उससे क्या होता है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ओपो बन जाते हैं। अभी हम लोग ने समझो कभी काट दिया पत्तियाँ काटे, तो ये देखो ये इसमें डाल देने का मतलब क्या होगा, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में होगा। और एक ना हर टाइम ना बहुत बोलते हैं कि ना कभी भी हम लोग ने नर्सरी से बाय किया ना तो अच्छे लगते नहीं गुलाब, ना कभी हमारे घर पर लग ही नहीं सकते, ऐसा बोलते थे। मेरे भी पहले नहीं लगते थे, तो मैंने क्या सोचा कि कभी भी मैं नर्सरी से परचेज करता हूँ ना, तो मैंने देखा है कि कभी भी ना ऐसा चिकनी मिट्टी जैसे एकदम हार्ड होता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि नीचे के थोड़े से रूट्स तोड़ता नहीं हूँ, सिर्फ एकदम अच्छे से उसको ना अच्छे से उसको ना थोड़ा मुखड़ा करके लेता हूँ। मतलब क्या होता है कि अच्छे से वो फैलेंगे तो जल्दी उसके साथ होगा नए पत्ते आना फूल आना। तो आप क्या करो कि ना थोड़ी सी मिट्टी निकाल के लो, और कभी भी ना मतलब गुलाब को ना ज़्यादा रूच भरने की ज़्यादा रूच भरते हैं तो क्या करने का, रूच कभी ज़्यादा भरना है आपको, ये देखो आपने ऐसा किया और आपको ऐसे रूच दिखे ना, तो क्या करने का पूरा रिपोर्ट करने का चाहिए। तो आप दूसरी इसमें भी लगा सकते हैं, तो मैं तो ज़्यादा करके नहीं लगाता। तो मैं क्या करता हूँ सिर्फ ना छोटा सा रूच बॉल रखने का, 50% ना उसका रूच काट देने का, बाकी जो होता है वो लगाने का। जैसे ही रूच डेवलप नीचे होने लगेगी ना, वैसे ऊपर ना उसको अच्छे से फ्लावर्स आने लगेंगे। तो मैं भी आपको जल्दी वो वीडियो बताऊंगा कि वो कैसे हम करें। अभी मैं एक फर्टिलाइजर भी डाला है तो वो भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि कैसे डालें, किससे किरण आएगी। और अभी देख रहे होगे व्हाइट व्हाइट पत्ते पे क्या दिख रहा है, आप सोच रहे होगे व्हाइट व्हाइट क्या है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैं क्या करता हूँ महीने में एक बार नहीं तो 45 दिन के अंदर मैंने इसको सोडा, ऐसा बेकिंग सोडा होता है ना वो, क्योंकि वो एसिडिक होता है, आपने सुना भी होगा टमाटो गुलाब इनको ना एसिडिक चीज़ें बहुत मतलब बहुत पसंद होती है। तो एसिडिक चीज़ें ज़्यादा करके डाला करें। विनेगर होता है, विनेगर भी आप एक ग्लास पानी में एक बूंद डाला तो वो भी पूरे अच्छे से एसिडिक होएगा। अभी चाय पत्ती भी एसिडिक है वो भी डाल सकते हो, वो भी अच्छे से ग्रो करेगा। और ज़्यादा करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालो, आपको सच नहीं लगेगा पर मैं ना इसमें कभी भी ना कौन सा भी कभी रेत नहीं डालता, कभी कंपोस्ट नहीं डालता, इसमें गोबर खाद भी खाद कुछ भी नहीं है, तभी मेरा कितना अच्छे से बढ़ रहा है। मैं कभी बाहर से ना कौन सा भी आया ना तो मैं नहीं लेता, मैं ना सिर्फ इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लेता हूँ। ये सिर्फ मेरे मिट्टी में उगा है, मेरे सब जितने भी पौधे हैं तब वो सब मिट्टी में उगे, तभी इतने अच्छी ग्रोथ कर रहे ना, आपको सच नहीं लगेगा। तो मैं वही मेरा तरीका बताऊंगा कि मैं कैसे उगाता हूँ। अभी कभी भी ना अभी बारिश का सीजन है तो बारिश में मॉइस्चर तो बना ही रहता है, तो कभी कभी बहुत गर्मी पड़ती है तो मॉइस्चर नहीं होता है। तो आप सोचो कि आज बारिश नहीं आई ना आज पानी डाल देता हूँ, तो ऐसा नहीं, सिर्फ ना अभी ऊपर का सूखा दिखेगा आपको, तो आप एक उंगली लो उसको सिर्फ ऐसा करो, आपको ना बहुत सारा सूखा दिखा ना तो आप ना उसको पानी डालने तो मत डालिए। अभी अभी मेरा बहुत मॉइस्चर है आप भी देख सकते हो, क्योंकि ना अभी बारिश पड़ के गई है तो मॉइस्चर तो हो गए। और फिर ना कभी भी ना वेल ड्रेन सॉइल चाहिए इसको, कभी ना ज़्यादा मॉइस्चर इसको अच्छा नहीं लगता, सिर्फ मॉइस्चर रखने का, ज़रा पानी इस अच्छे से उसका होल भी अच्छे से करके रखने का, मतलब उसमें से पानी अच्छे से निकलेगा। और फिर अभी मैं देख सकते हो आप भी देख सकते हो कि इसको कितने अच्छे से फ्लावर्स बर्ड्स भी आ रहे हैं, और इसको तो देख सकते हो आप कितने अच्छे से सब ब्लूमिंग हो रहे हैं। अभी मैं इधर से काटूंगा तो इधर से भी नया आएगा शुद्ध आएगा। तो अभी आप बहुत जन बोलते हैं कि हम लोग का इधर का एक, अभी ना कभी भी ज़्यादा करके ना इसको नहीं ग्राफ्ट किया, आप देख सकते हो इसको ग्राफ्ट नहीं किया है,
और ये मेरा देसी प्लांट है और ये इंग्लिश प्लांट है, तो ये ना दूसरे प्लांट का होता है और फिर ना इसको ये ग्राफ्ट करते हैं और ये आता है। तो आपको ना कभी कभी ना, मेरा तो अभी नहीं आएगा क्योंकि अच्छे से सूख गया, आप देख सकते हो कितना अच्छे से सूख गया है, तो मेरा तो नहीं आएगा, बस समझो आपका आ गया तो वो ना शक्कर बोलते हैं उसको, इधर से आप सोचोगे अच्छा है नीचे से भी आ गया एक, तो अभी उसको कुछ ये नहीं, तो इसको शक्कर बोलते हैं, तो शक्कर ना बहुत बढ़ता है, अच्छे से बढ़ता है, पर उसको फ्लावर्स व्लावर्स कुछ नहीं आता। और ना इनकी जो भी एनर्जी मिलती है ना, इनको जो मिट्टी के अंदर एनर्जी होती है वो सब ना शक्कर ले लेता है और अपने पौधे को सुखा देता है, और वो खुद ना शक्कर भी अच्छे से बढ़ता नहीं है और पूरा हम लोग का पौधा मर जाता है। तो ये कभी भी, ये देखो कभी आपको इधर ना ग्राफ्ट किया हुआ दिखा, देखो ये ग्राफ्ट किया हुआ कभी भी दिखा ना, दिख रहा है आपको, देखो ग्राफ्ट किया हुआ कभी भी ऐसा दिखा ना आपको, तो और कभी इधर से आया तो कभी भी बिना रुके उधर से पहले काट देने का। अब देख सकते हो मेरा ऐसा कौन सा भी नहीं है, मैंने पहले से सुखा दिया है इसको, तो अभी तो उसका कुछ ये नहीं, इधर से कभी नहीं आएगा, पर आपका आ सकता है, तो आप इसका ध्यान रखें। और कभी भी ना इसको एसिडिक सॉइल रखने की पूरी कोशिश करें, मतलब कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि चाय पत्ती और ये एग सेल का फर्टिलाइजर कैसे बनाया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, सिर्फ ऑर्गेनिक डाला करें। अभी कभी आप बोलते हैं कि इसको बग्स, मिली बग्स आने लगे, नहीं तो कौन से अलग अलग ही आते, तो आप सिर्फ एक ही फर्टिलाइजर यूज़ करें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, नीम का फर्टिलाइजर बनाए, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे नीम का फर्टिलाइजर हम बनाए। और ना ज़्यादा करके बारिश में क्या होता है कि ना बहुत सारा मॉइस्चर रहता है, तो इससे ना पत्ता ना पीला पीला होने लगता है, तो जो ना देखो बारिश में बीच में धूप आती है तो उसमें रख देना है, तो उसमें क्या होगा फिर ना वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। और गर्मी के टाइम क्या होता है, हम ना हर टाइम क्या करते हैं, गर्मी आई ना तो गर्मी से ना हम गर्मी आने के बाद हम फुल सनलाइट में रख देते हैं, तो वैसा नहीं चलता, क्योंकि फुल सनलाइट में आपने रखा ना तो ना वो फिर ना वो उसके पत्ते पीले वीले होना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करने का। और कभी आपको सूखा हुआ पत्ता दिखा ना तो उसको कट कर देने का, और कभी भी कट करते समय क्या करने का, ये ना उसका पास ना देखो ऐसे रिमूव करने का, नहीं तो कट कर सकते हो, नहीं तो ऐसा रिमूव करने का, आपने ऐसे ऊपर से किया ना तो वो क्या होगा कि उधर से फिर से बक्स में आया है और ना अच्छे से ग्रोथ करेगा। देखो ये मेरा रेड भी कितना अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, ये भी कितना अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, ऐसे ग्रोथ आपको बढ़नी चाहिए। और कभी भी आप एसिडिक रखने के लिए कोशिश करें, मैं आपको बताऊंगा कि इसको एसिडिक कैसे रखते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, अभी बहुत लेंथ बड़ी हो गई है तो अभी मैं बंद कर देता हूँ वीडियो, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।